फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट व्यू वाइट्स की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आर्ट व्यू वाइट्स नए साल में एक बिल्कुल नया शो लेकर आ रहा है, फिल्मकार। फिल्मकार में हम फिल्म्स की बात करेंगे और फिल्म्स से जुड़े हुए लोगों की बात करेंगे। फिल्म्स, वेब शोज, टीवी और थिएटर, कहीं भी कुछ इंस्पिरेशनल, एनर्जी देने वाला, पॉजिटिव, कुछ ऐसा जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, अगर घटित हो रहा है तो उस पर चर्चा करने के लिए आप फिल्मकार से जुड़ सकते हैं। और नए साल के पहले एपिसोड में हम एक ऐसी कहानी फिल्मकार में लेकर आए हैं जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, एडमायर हो सकते हैं और एक नई एनर्जी ले सकते हैं। 2020 के सारे ही नेगेटिव चीज़ों को आप भुलाकर 2021 में एक नई शुरुआत करने के लिए इस कहानी का यूज़ कर सकते हैं। ये कहानी है पुष्कर महाबल के बारे में। पुष्कर महाबल, अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ये एक ऐसे डायरेक्टर की कहानी है, ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने दम पर एक फिल्म बनाई वेलकम होम। और वेलकम होम सोनी लिप पर स्ट्रीम हो रही है और बहुत पसंद की जा रही है, ऑडियंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से, सभी लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस इस वीडियो में वेलकम होम नहीं है, बल्कि पुष्कर महाबल की वो कहानी है, वो जर्नी है जिसने ये फिल्म बनाई है, उस पर हमारा फोकस है। क्योंकि एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे एक अकेले बंदे ने, एक डायरेक्टर ने अपने दम पर एक फिल्म बनाई है। पुष्कर के बारे में जाने तो पुष्कर महाबल 2006 में मुंबई आए और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने काम शुरू किया। एक्चुअल में वो अपनी डिग्री उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ली हुई है। तो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो मुंबई आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया। कुछ मराठी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक भी दिया, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं फिल्म्स का इंटरेस्ट था, मतलब फिल्म मेकिंग के प्रति उनका रुझान था और फिल्में बहुत देखते थे। कुछ अलग हटके फिल्में, कोरियन फिल्म, जैपनीज फिल्म वो देखा करते थे। तो इस चीज़ को उनके एक दोस्त ने पहचाना और उनको इंसिस्ट किया कि आप एक शॉर्ट फिल्म बनाओ। पुष्कर ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और कैसे भी करके उनके दोस्तों के जरिए वो फिल्म रामगोपाल वर्मा तक पहुंच गई। अब वो फिल्म रामगोपाल वर्मा तक पहुंची और उन्हें बहुत पसंद आई, तो रामगोपाल वर्मा ने पुष्कर को एक फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया। पुष्कर ने फिल्म डायरेक्ट की 2011 में एक फिल्म डायरेक्ट की उन्होंने, जो कि रामगोपाल वर्मा ने प्रोड्यूस की, लेकिन किसी भी कारण से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ये पहला झटका था जब पुष्कर को पता लगा कि ये इंडस्ट्री आपको सपने दिखा के कैसे वो सपने जो हैं वो टूट भी सकते हैं। तो ये चीज़ अब ये उनको तोड़ तो दी, साथ में उनको एक झटका तो लगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी चीज़ ने पुष्कर को ये भी बता दिया कि उनके अंदर डायरेक्शन की एबिलिटी है, एक इंस्टिंक्ट है जो कि उनको डायरेक्टर बनने के लिए मजबूर करेगी। अब पुष्कर अपने आप को एज ए डायरेक्टर प्रूव करना चाहते थे और उसके लिए तो उन्हें फिल्म ही बनानी थी, जो कि अभी उन्हें मौका मिल नहीं रहा था। तो फिर आप चाहे कह लीजिए कि मुंबई में रहने के लिए, खर्चे जुटाना कह लीजिए, पेट पालना कह लीजिए, या रूम रेंट्स भरने के लिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए उन्होंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन की। ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, एक्चुअल में पुष्कर तो इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन की और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। उसने ऑब्वियसली उनके बिल्स तो पे किए ही, साथ में उन्होंने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको हुआ काम करने का, बहुत नए नए एक्ट्रेस से वो मिले, कई प्रोड्यूसर्स से मिले, तो इसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बनाना तो फिल्म ही चाहते थे और उस कोशिश में उन्होंने कई चीज़ें की और उनको बहुत सारे वियर्ड एक्सपीरियंसेस हुए। और पुष्कर बताते हैं कि हर एक को वो वियर्ड एक्सपीरियंसेस समझने चाहिए, क्योंकि उस तरह की चीज़ें लगभग सभी के साथ होती हैं, चाहे वो अभी नए एक्टर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, सभी के साथ उस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो अपना एक वियर्ड एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कहीं एक वेब शो बनाने की कोशिश की, मतलब एक वेब शो लिखा गया, उसको उन्होंने डायरेक्ट किया, उसका पायलट बनाया, उसमें एक टीवी एक्ट्रेस ने काम किया और वो उन्होंने पिच किया, उसको किसी नेटवर्क के सामने पिच किया। नेटवर्क को वो शो बहुत पसंद आया, उसका आइडिया, उसकी राइटिंग, उसका डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, सब कुछ। लेकिन नेटवर्क ने उनके सामने एक शर्त रखी कि इस शो को आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक टीवी डायरेक्टर है, ये जो एक्ट्रेस हैं ये इसमें एक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये
टीवी एक्ट्रेस हैं, और ये जो राइटर हैं ये इसको नहीं लिखेंगे आगे क्योंकि ये एक नोन राइटर नहीं है। ये तीनों ही लॉजिक पुष्कर को बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो कहते हैं मुझे आज तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या रीजंस हो सकते हैं किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करने के, लेकिन इस तरह की वियर्ड चीज़ें होती हैं। ऐसे कई एक्सपीरियंसेस पुष्कर को हुए और वो ऑन एंड ऑफ चलते रहे। तब उन्होंने कहीं एक समय आकर ये डिसाइड किया कि अब मुझे फिल्म बनानी है। यहाँ से जो स्टोरी उनकी स्टार्ट होती है वो आपको जाननी चाहिए और उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर कि कैसे एक फिल्म आप विदाउट बजट शुरू कर सकते हैं। उन्होंने एकदम से फिल्म मेकिंग की पूरी जो साइकिल होती है उसको रिवर्स कर दिया, जिसको वो कह रहे हैं कि हमने फिल्म को रिवर्स इंजीनियर किया। जनरली फिल्म कैसे होती है कि आप एक एज ए राइटर कोई एक फिल्म लिखता है, उसके बाद में वो प्रोड्यूसर के पास जाता है, उसको अगर वो फिल्म पसंद आती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, जिससे कि फिल्म आगे डायरेक्टर एक्टर्स आते हैं और फिर एक फिल्म बनती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ, इन्होंने सोचा कि हमको फिल्म करनी है, और इसके लिए सबसे पहला कदम जो पुष्कर ने उठाया वो अपने दोस्तों को साथ लिया। दोस्त मतलब अंकिता नारंग जो कि वेलकम होम की राइटर हैं, और सई भोपे जो कि इसके डीओपी हैं। ये दोनों ही पुष्कर और ये दोनों तीनों बहुत लंबे समय से दोस्त थे, लगभग 15 साल से दोस्त थे। तो इन्होंने मिल के ये सोचा कि हमको फिल्म करनी है और अपने ही साधनों के साथ, अपने ही बजट के साथ ये फिल्म करनी है। तो पहला आइडिया जो उनका था वो ये था कि हमको नागपुर में, क्योंकि ये तीनों नागपुर बेस्ड थे, तो इन्होंने कहा कि हमें फिल्म नागपुर में ही बनानी है। पहला डिसीजन कि हमको फिल्म नागपुर में बनानी है, ऐसे शूट करनी है कि हम अपने लिमिटेड साधनों में वो फिल्म शूट कर सकें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहले फिल्म लिखी गई, फिल्म तैयार हो गई, प्लॉट बन गया, सब कुछ हो गया कि ये फिल्म हम यहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे, सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली। लेकिन जब रियल प्रोडक्शन की बात आई तो उसमें लोगों की ज़रूरत थी। अब क्या करें, अब तो हमने फिल्म लिख ली है, सारा प्री प्रोडक्शन सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब शूट करने के लिए तो लोगों की ज़रूरत होगी। तब इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करना चाहे, मतलब जितने भी लोगों से पहले ये एक्ट्रेस से मिले हुए थे या जिन लोगों से मिले हुए थे उन सबको इन्होंने कॉन्टैक्ट किया। जो लोग विदाउट कॉस्ट काम कर सकते थे उनको इन्होंने अपने बोर्ड पर लिया, उनको काम करने के लिए तैयार किया, और फिर अपने सारे दोस्तों से कॉन्टैक्ट किया। ऐसे दोस्त जो अपना समय दे सकते थे, कभी ऑफ टाइम में अपने काम के साथ में ऑफ टाइम में उनको समय दे सकते थे और बिना कोई पैसा लिए समय दे सकते थे, यानी कि ऐसे दोस्त जिनको अपने दोस्त की मदद करनी थी ना कि पैसा कमाना था। ऐसे सारे दोस्तों को इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कॉल किया, उनको भी अपने काम में इन्वॉल्व किया। इस तरह से एक पूरी प्रोडक्शन टीम तैयार हो गई और काम करना इन्होंने शुरू किया। काम करने में जो एक्सपीरियंस लोग थे वो ये तीनों थे, तो इन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट्स संभाले, मतलब पुष्कर बताते हैं कि मतलब आप अगर क्रेडिट्स को पढ़ेंगे फिल्म के, वेलकम होम के क्रेडिट्स पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि अंकिता नारंग जो कि राइटर हैं वो आर्ट डायरेक्शन भी देख रही हैं, वो लाइन प्रोड्यूसर भी हैं, और डीओपी जो कि एक मतलब सिनेमेटोग्राफर हैं वो आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी कर रहे हैं, और खुद पुष्कर महाबल जो कि एक डायरेक्टर हैं वो एडिटिंग भी कर रहे हैं और साउंड डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। तो एक एक बंदे ने कई डिपार्टमेंट संभाले, तो ये जुनून जो इन्होंने सबने मिल के शामिल होकर उसमें लगाया तो एक फिल्म तैयार होती है। इस तरह से एक फिल्म बनी, रिवर्स इंजीनियरिंग जो वो कह रहे हैं करके, मतलब उलट दिया फिल्म को, विदाउट बजट फिल्म शुरू की और उसको बना के तैयार कर लिया। लेकिन अभी भी एक पॉइंट बचा था, उसे कहते हैं फिल्म बेचना, जिसमें ये लोग बिल्कुल मतलब पक्के नहीं थे। ऐसा पुष्कर कहते हैं कि हमको ये काम बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अगेन उन्होंने यहाँ भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स मतलब ऐसे प्रोड्यूसर्स जो उनके साथ पहले काम कर चुके थे उनको ये फिल्म पिच करना चालू की, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक अच्छी फिल्म तैयार हो गई है, तो उसको दिखाना चालू किया। और इस तरह से फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर शामिल हुए परेश रावल जी और हेमल ठक्कर जी। तो दो लोग जब एज ए प्रोड्यूसर उसमें शामिल हुए तो ये फिल्म प्रोड्यूस मतलब आप उल्टा हो गया सारा, कि पहले प्रोड्यूसर ना हो के सबसे एंड में प्रोड्यूसर आते हैं इस फिल्म की कंप्लीट होने की जर्नी में, और अब हम ये फिल्म सोनी पर देख पा रहे हैं और बहुत पसंद की जा रही है। इसको कहा जा रहा है कि ये चैम्बर ड्रामा वाली जोनर में अगर देखें तो बहुत ही अच्छी फिल्म यहाँ बनी है। हॉलीवुड में इस तरह की फिल्म पहले बन चुकी है, लेकिन इंडिया में यानी बॉलीवुड में ये फिल्म काफ़ी नएपन के साथ में बहुत ही अच्छे से बनाई गई है।
तो चैम्बर ड्रामा भी पुष्कर बताते हैं कि आप उसको एक जॉनर बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि वो हमारी ज़रूरत थी, हम हमारे साधनों में वही हो सकता था, इसलिए हमने एक ऐसी फिल्म बनाई। तो इस पूरी जर्नी में आप देखेंगे कि एक एक फिल्म मेकर, एक एक पर्सन जो कि बस डायरेक्शन करना चाहता है, अपने कंसेप्ट को, अपनी बात को कहना चाहता है, उसके लिए वो हर कोशिश करता है और एट लास्ट वो अपने सपने में, अपने ड्रीम को कंप्लीट करने में सफल होता है। वो आखिर में हमारी नज़र में एक फिल्मकार बनता है। तो ऐसे फिल्मकार पुष्कर महावल की स्टोरी, आप इसको समझिए। आप चाहें तो फिल्म देखिए सोनीलिप पर, मैं भी ये फिल्म देखने वाला हूँ। मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, बहुत तारीफ सुनी है, मैं भी ये फिल्म देखने वाला हूँ, आप भी फिल्म देखिए और फिर पुष्कर महावल से इंस्पायर हुई है, और आप भी अगर ऐसा कोई ड्रीम रखते हैं तो उसका पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से ही सपने पूरे होते हैं। तो फिल्मकार में अगले एपिसोड में हम इसी तरह की कोई कहानी या फिल्म पर कोई चर्चा या फिल्म के बारे में कोई बात लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।